दोस्तों, आप बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज करते होंगे। तो पहले बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग ऐप का नाम था एम कनेक्ट प्लस, लेकिन यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने मोबाइल बैंकिंग ऐप को अपडेट करने के बाद इसका नाम चेंज कर दिया है। इसका नाम अब कर दिया है BOB वर्ल्ड। यदि आप एम कनेक्ट प्लस को अपडेट नहीं किए हैं तो आप अपडेट करेंगे, जैसे ही आप अपडेट करेंगे उसका नाम यहाँ पर चेंज होकर BOB वर्ल्ड हो जाएगा। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अपडेट कर लिया है, हम ओपन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए BOB वर्ल्ड करके ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट या अपना MPIN फिलअप करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने में कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं किया गया है। हम यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। हम यहाँ पर अब आपको BOB वर्ल्ड में जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका अकाउंट नंबर है, इसके बाद नीचे में है अवेलेबल बैलेंस। आप इस अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका अकाउंट में जो भी बैलेंस है यहाँ पर देखिए वह शो करता है। आप यहाँ पर व्यू ऑल अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट होगा यहाँ पर दिखाई देगा। यदि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में एक से ज़्यादा अकाउंट है तो यहाँ पर सारा अकाउंट आपका दिखाई देगा। चलिए हम व्यू पर क्लिक करके अपने अकाउंट को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका अकाउंट नंबर, इसके अलावा आपको यहाँ पर अपने ATM कार्ड का डिटेल, साथ ही आपका एड्रेस भी दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ पर है मिनी स्टेटमेंट, हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका मिनी स्टेटमेंट यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर ग्राफ के रूप में ऊपर में शो करता है। इसके अलावा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए डिटेल में बताया जा रहा है कि आपके अकाउंट में कब कितना रुपये आया है और कब कितना रुपये कट हुआ है। चलिए अब यहाँ पर है पहला आपका कंपेयर एंड स्वैप, हम इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो भी ऑफर है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, यहाँ पर वह ऑफर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा यदि आप रिवार्ड पॉइंट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखिए वॉलेट का आइकॉन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपका रिवार्ड होगा शो करता है, आप रिडीम नाउ पे क्लिक करके रिवार्ड को रिडीम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है क्रेडिट स्कोर, हम इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम गॉट इट पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और यहाँ से चेक माई स्कोर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपका ट्रांजैक्शन पिन होगा आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आ रहा है कंज्यूमर रिकॉर्ड नॉट फाउंड, मेरे में यह शो नहीं कर रहा है। यदि आपका यहाँ पर क्रेडिट स्कोर शो करता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए हम ओके कर लेते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर है इनवाइट एंड अर्न, हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए कोड शो कर रहा है, यदि आप किसी को भी इनवाइट करते हैं और वह बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग ऐप को इंस्टॉल करता है तो फिर आपको यहाँ पर अर्न करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आपको अमाउंट दिया जाएगा। चलिए हम बैक होते हैं। इसके बाद यहाँ पर है BOB वर्ल्ड बेनिफिट्स, हम इस पर क्लिक करते हैं। ये वर्क नहीं करता है, चलिए हम ओके कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर है होटल बुकिंग, आप लोग यहाँ पर होटल बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बस बुकिंग कर सकते हैं, साथ ही आप यहाँ पर फ्लाइट का टिकट भी बुक कर सकते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर है माई BOB, यहाँ पर देखिए आपको पहला ऑप्शन है ट्रांसफर, जैसे कि हम यहाँ पर ट्रांसफर पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए किसी को भी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला तो यहाँ पर है सेल्फ लिंक अकाउंट, यदि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आप एक अकाउंट से अपना दूसरा अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है थर्ड पार्टी विद इन बैंक, यदि आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो आप यहाँ पर थर्ड पार्टी विद इन बैंक पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आप जिसको पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर, इसके बाद यहाँ पर अमाउंट, आप जितना भी रुपए ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर रिमार्क है, आप रिमार्क में कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि आप पैसा ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर डिपॉजिट लिख लेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करके आप पैसा आसानी से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो किस तरीके से हम पैसा ट्रांसफ़र करेंगे हम आने वाले वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि सेविंग अकाउंट, हम इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर यदि आपका सुकन्या समृद्धि सेविंग अकाउंट है, अब यहाँ पर आप सुकन्या समृद्धि सेविंग अकाउंट का अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे, नीचे में डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करके
यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे में ऑप्शन है अदर बैंक। आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है, किसी दूसरे बैंक में है, जैसे कि SBI में है या फिर HDFC में है या फिर ICICI में है या किसी दूसरे बैंक में अकाउंट है, तो आप यहाँ पर अदर बैंक में ट्रांसफ़र टू अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे। आप यहाँ से ओके कर लेंगे। अब यहाँ पर जिसको आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप उसका अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको फिर से अकाउंट नंबर फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर IFSC कोड है, तो जिसको भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका जो भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर लेंगे जितना भी रुपए आपको ट्रांसफ़र करना है। इसके बाद यहाँ पर रिमार्क है, आप रिमार्क में डिपॉजिट लिख सकते हैं। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करके आसानी से फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो किस तरीका से हम पैसा ट्रांसफ़र करेंगे हम आपको आने वाले वीडियो में डिटेल में बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए पैसा ट्रांसफ़र करने का यहाँ पर दूसरा तरीका है ट्रांसफ़र टू मोबाइल। तो आप यहाँ पर किसी को भी मोबाइल नंबर के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर पासबुक है, आप पासबुक पर क्लिक करके अपना पासबुक देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर पासबुक पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए आप सेलेक्ट कर लेंगे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन सा अकाउंट है, जैसे कि सेविंग अकाउंट है या फिर करेंट है या फिर लोन अकाउंट है, आपका कौन सा अकाउंट है आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मेरा यहां पर सेविंग अकाउंट है तो हम सेविंग सेलेक्ट करेंगे। अब यहां पर देखिए आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, आप यहां पर व्यू ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखिए जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया होगा यहां पर वह शो करता है, यह आपका पासबुक है। आपको यहां से सिंक पर क्लिक करके सिंक कर लेना है। यहां पर देखिए ऊपर में एरो का आइकॉन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यह रिफ्रेश हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी चीज़ अपडेट किया हुआ नहीं है यहाँ पर वह अपडेट हो जाता है। आप इस स्टेटमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड का आइकॉन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है आप PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर CSV के रूप में। चलिए हम इसे PDF के रूप में डाउनलोड करेंगे। अब ये डाउनलोड हो जाएगा, यह देखिए ओपन करने के लिए आ गया है। अब यहाँ से आप ओपन कर लेंगे तो इस तरीका से आप लोग यहाँ पर स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको डिजिटल लोन का, आप यहाँ पर डिजिटल लोन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर यदि आपका प्री अप्रूव लोन होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए प्री अप्रूव माइक्रो पर्सनल लोन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए शो कर दिया है मेरा यहाँ पर 2 लाख का प्री अप्रूव लोन है, हम यहाँ पर 2 लाख रुपए तक घर बैठे लोन ले सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से, हमें ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सभी का अलग अलग रहता है, मेरा यहाँ पर 2 लाख दिखा रहा है तो किसी का हो सकता है 50,000 हो, किसी का 3 लाख हो। चलिए इसके बाद आप यहाँ से क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करके आप आसानी से लोन ले सकते हैं। आप जैसे ही क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपका आगे का प्रोसेस हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में ये लोन डिपॉजिट कर दिया जाएगा। चलिए हम बैक होते हैं। इसके बाद यहाँ पर है रिक्वेस्ट सर्विस, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आप चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई चेक को आप रोकना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर अकाउंट का स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तो स्टेटमेंट ले पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर है इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आप इंटरनेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आधार कार्ड अपडेट करने के लिए है, इसके अलावा नॉमिनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए है। साथ ही आप ईमेल आईडी को चेंज करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं। चलिए हम बैक हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर है DTH रिचार्ज करने के लिए, साथ ही मोबाइल रिचार्ज करने के लिए, तो आप यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, DTH का रिचार्ज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए है बिल पेमेंट, आप इसको इस तरीका से ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। आप क्विक बिल पेमेंट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिए, कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से जिसका भी आप बिल पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारा बिल पेमेंट करने के लिए है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंश्योरेंस, वाटर, एजुकेशन फ़ी, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके बिल पेमेंट कर सकते हैं। मैंने बिल पेमेंट करने के लिए सेपरेट वीडियो बना के बताया हुआ है, वह वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए, मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। चलिए फिलहाल के लिए हम बैक हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, आप इसको इस तरीका से ऊपर स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाया जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन किया है यहाँ पर वह शो कर रहा है। आप लोड मोर ट्रांजैक्शन पर क्लिक कर लेंगे, आपका यहाँ पर और भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाई देगा। अब यहाँ पर नीचे में ऑप्शन मिल जाता है, पहला UPI,
हम UPI पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप UPI का यूज कर सकते हैं, किसी को भी UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा UPI के माध्यम से पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कार्ड्स, हम कार्ड्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपना ATM कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यदि ATM कार्ड नहीं है तो आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं, ATM कार्ड का पिन को सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मोर का ऑप्शन मिलता है, हम मोर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलता है, ये सब ऑप्शन आपको ऊपर में भी है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि अप्लाई करने के लिए है तो आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर में देख लीजिए, पहला ऑप्शन तो अकाउंट्स का है, अकाउंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ पर सेव है, हम सेव पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप FD ओपन कर सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ से RD अपना ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है इन्वेस्ट, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आप PPF अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसके अलावा आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट को भी यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन ऊपर में है बोरो, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए माइक्रो पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए है, तो आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करके यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरा 2 लाख का प्री अप्रूव लोन है, तो हम इसे अप्लाई कर पाएंगे। हो सकता है आपका यहाँ पर कम हो या फिर ज़्यादा हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर FD या फिर RD पर भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे ऑप्शन ऊपर मिलता है आपको शॉप एंड पे, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए रिचार्ज करने का ऑप्शन है, इसके अलावा बिल पेमेंट करने के लिए यहां पर है। साथ ही यहां पर देख सकते हैं बस का टिकट या फिर फ्लाइट का बुकिंग या फिर होटल बुकिंग आप यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर सबसे ऊपर में है प्रोफाइल आपका, यहां पर आपका नाम रहेगा लिखा हुआ, आप इस पर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। आप यहां पर KYC डिटेल्स पर क्लिक कर लेंगे। यदि आपका यहां पर KYC कंप्लीट किया हुआ रहेगा तो यहां पर देखिए यस रहेगा, यदि आपका KYC यहां पर कंप्लीट किया हुआ नहीं रहेगा तो फिर आपका यहां पर नो रहेगा लिखा हुआ। इसके बाद यहां पर है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर जो भी आपका ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, इसके अलावा कम्युनिकेशन एड्रेस है यहां पर वह शो कर रहा है, आप अपडेट पर क्लिक करके ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर है लॉगिन पिन चेंज करने का, इसके अलावा आप यहाँ से ट्रांजैक्शन पिन भी चेंज कर सकते हैं। नीचे में ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आपको ऐप सेटिंग करने के लिए, हम यहाँ पर ऐप सेटिंग पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर चेंज लैंग्वेज पर क्लिक करके मोबाइल बैंकिंग ऐप का लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर माई लिमिट सेटअप, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहां से सेलेक्ट सर्विस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहां से जिसका भी लिमिट आप सेट करना चाहते हैं आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहां पर IMPS ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए जितना भी लिमिट होगा पहले से यहां पर वह शो कर रहा है। यहां पर आप एक दिन में आप किसी को भी 2 लाख रुपए तक अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर सकते हैं। आप यहां से इसका लिमिट को कम कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसका लिमिट आप यहां पर कम करके 32,325 कर दिया है तो आप अपने अकाउंट से 32,325 रुपए से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। इसी तरीका से यहाँ पर देखिए सेट मैक्सिमम अमाउंट पर डे का है ते हैं और प्रोसीड पर क्लिक करके प्रोसीड कर लेंगे। चलिए फिलहाल के लिए हम कैंसिल कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर है बायोमेट्रिक लॉगिन सेटअप, तो आप इस पर क्लिक करके अपना बायोमेट्रिक सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है डीलिंक अकाउंट, आप अकाउंट को डीलिंक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम यहाँ से इसको बाहर हो जाते हैं, यस कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के BOB वर्ल्ड में बिना लॉगिन किए हुए अपना अकाउंट बैलेंस देख सकते हैं। ऊपर में ही आपको दिखाई देगा क्विक व्यू बैलेंस, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका जो भी अकाउंट में बैलेंस होगा यहाँ पर वह शो कर दिया है। इसके अलावा आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया है यहाँ पर वह ट्रांजेक्शन भी दिखाई देता है। चलिए ओके कर लेते हैं। दोस्तों आने वाले वीडियो में हम आपको BOB वर्ल्ड का जितना भी ऑप्शन दिया गया है उसका सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं, तो आने वाले वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।